केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय, वहां पर कल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी आप लोगों से बात कर रहे थे। बात करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बात करते करते दिल की इच्छा जो निकलती है वो भी व्यक्त हो जाती है। कल ऐसा ही उनके जो दिल का एक तमन्ना है वो तमन्ना हमको लगता है कि जब दुमका बाई इलेक्शन हो रहा था, बेरमो बाई इलेक्शन हो रहा था, उसी वक्त से उनका ये चल रहा था कि नतीजे आएंगे और सरकार बदल जाएगी। लेकिन सरकार ना केवल तंदुरुस्त रही और ज्यादा मजबूती के साथ लोगों के जिस कमिटमेंट के साथ हम लोगों ने आने का काम किया था उन कमिटमेंटों को पूरा करने लगी। बाबूलाल जी ने कहा कि 2024 तक हम इंतजार नहीं कर सकते, उसके पहले हमें उखाड़ फेंकना है। तो आप ही लोग में से कुछ लोगों ने पूछा कि कैसे उखड़ेगा सरकार, बोले है उखड़ जाएगा और हम सरकार बना लेंगे। अब ये अरिथमेटिक हम लोगों को समझ में नहीं आया कि 25 भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक किसी तरह बंगला में कहावत है सिंह भेंगे बछुड़े दौले, मतलब सिंह को तोड़कर बछड़े के पाले में घुस जाना। बाबूलाल जी उस तरह से घुस गए भारतीय जनता पार्टी में। और उसके बाद सरकार बनाने के जो आंकड़े वो उसी में फुस हो जाता है। तो सरकार कैसे बनेगी? सरकार एक ही तरह से बन सकती है जो बाबूलाल जी के दिल की बात है, वो है कि केंद्रीय एजेंसियों से डरा धमकाकर ईडी आईटी का सीबीआई का उपयोग कर जिस प्रकार महाराष्ट्र में पहले ईडी के केस किए जाते हैं, उन्हें समन भेजा जाता है और उसके बाद लोग आसाम चल जाते हैं गुजरात के रास्ते और वहां पर सरकार बन जाती है। यही फॉर्मूला बाबूलाल जी जो कह नहीं पाए लेकिन उनकी दिल की बात निकल ही गई थी और वो चरितार्थ हो रहा है, अब दिख रहा है। लेकिन एक बड़ा मशहूर निकाह में एक गजल था, दिल के अरमां आंसुओं में रह गए, आंसुओं में बह गए। तो बाबूलाल जी भी हमको लगता है अंतिम में यही गजल गाएंगे 2024 के दिसंबर के बाद, जब पुनः थंपिंग मेजोरिटी के साथ लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ हेमंत सोरेन जी फिर से सरकार बनाएंगे और शायद वह राजधनवार भी नहीं बचा पाएंगे, तब उन पर यह गजल फिट बैठेगा।
कहना क्या चाहते हैं। हम लोगों ने 1 तारीख को हेमंत जी के जो वकील है वैभव तोमर जी, उन्होंने 1 तारीख को ही चुनाव आयोग को कहा, लिखित दिया कि राज्यपाल महोदय रायपुर में एटम बम की बात करते और दूसरा ओपिनियन की बात करते, इसमें सच्चाई क्या है? क्योंकि नैसर्गिक न्याय के तहत यह जरूरी है कि जो पहला ओपिनियन है वो तो हम लोगों को मिलना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप कदम उठा ले। हम लोगों ने मांगा है, अभी तक उसका भी जवाब नहीं आया, 4 दिन हो गए। 1 तारीख को दिया गया था, आज 5 तारीख हो गए। लोग केवल और केवल एक नया रोज का रोज ड्रामा, क्योंकि लगातार सरकार आपके गांव टोले तक जा रही है, लोगों से सीधा संवाद कर रही है, उनसे पूछकर उनके लिए योजनाएं बनाई जा रही है। यह भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगने लगा। कल उन्होंने कहा कि आपको जांच से डर क्यों है। हम कह रहे हैं हमको जांच से कहां डर, लेकिन एक प्रक्रिया तो होती है। हेमंत सोरेन जी इस राज्य के मुख्यमंत्री, उनके कार्यक्रम तय है। उनके कार्यक्रम को आप कैसे रोक सकते हैं? यदि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम जो गुजरात के लिए तय थे उसके कारण चुनाव रुक सकता है गुजरात का, लेकिन एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को आप अपहोल्ड नहीं कर सकते। सीधा सीधी तौर पर इस राज्य में किसी तरह सरकार बन जाए, भले उसके लिए संविधान को तोड़ मोड़ के भी रखा जाए, किसी भी तरह की जांच एजेंसियों को भी लगाया जाए, लेकिन सरकार बन जाए, ये उनकी मंशा कल उनके बातों से स्पष्ट हो गई। लेकिन उतना आसान नहीं होता है। लोकतंत्र में लज्जा तो आपने त्याग ही दिया, लेकिन आंकड़े कहां से त्यागोगे? और सरकार का बहुमत विधानसभा के अंदर तय होता है। कल निरुत्तरित हो गए थे जब आप लोगों ने बाबूलाल जी से कहा कि 1932 पर आपकी क्या बात है।
घबरा से गए। ये सवाल क्यों आ गया? इसी सवाल पर तो भारतीय जनता पार्टी के जो मूलवासी आदिवासी लोग हैं, जो झारखंडी पहचान और अस्तित्व अस्मिता के साथ जुड़े हैं, वो लोग भी हमारे साथ खड़े और बाबूलाल जी डर रहे। बोले हम 10 तारीख को बताएंगे। उनके मुख्य सचेतक से पूछा जाता है, 10 तारीख को बताएंगे। सरना पर पूछा जाता है, चुप्पी लगा देते। बात करते हैं झारखंड की। सुदेश जी राज्यपाल महोदय के पास गए 27% आरक्षण को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ लोगों को भ्रम फैलाने के लिए एक मांग रखी गई। खुद कार्यकाल में रहते हुए 27% को 14 में लाने का काम किया था। यही बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे 2001 में और सुदेश जी उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी थे। आज 11 तारीख को जब इसी सवाल पर, खतियान के सवाल पर, पिछड़ा रिजर्वेशन के सवाल पर जब बातें आएंगी, उसके पहले किस प्रकार से सरकार को विचलित किया जाए, सरकार को उसके लक्ष्य से हटाया जाए, उसकी साजिश चल रही है। यह बहुत गंदा खेल है और इस खेल का हम केवल मुकाबला नहीं कर रहे हैं, उनको परास्त भी कर रहे हैं। आज से सामंतवाद पथ, जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, उसके खिलाफ राजनीतिक आंदोलन का आगाज हो गया। 2400 जिलों में हमारे कांग्रेस और राजद के नेता से लेकर कार्यकर्ता, समर्थक से लेकर आम जनता आज सड़क पर आ चुकी है और ये सड़क से लोग अब गांव देहात टोले मोहल्ले में जाएंगे। जरूरत पड़ेगा तो रेल की पटरी पर भी बैठेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग में भी बैठेंगे और हवाई अड्डे पर भी बैठेंगे। ऐसे किसी को हम परमिट नहीं करेंगे कि कोई साजिश रचे और झारखंडी हित को नुकसान पहुंचाए। इतना ही कहना था आप लोगों से। कोई यदि प्रश्न है तो वो आमंत्रित। दादा, ये जो आप बोले कि रेलवे पटरी पर बैठेंगे, हाईवे पर बैठेंगे, अड्डे पर बैठेंगे, मतलब क्या आर्थिक नाकेबंदी की योजना बना रहे हैं क्या आप लोग? अब किए क्या योजना बनाएंगे वो तो बोल के नहीं बनाएंगे। ये आज से आगाज हुआ, ये क्रमबद्ध चलेगा क्या? अब चलेगा। 7 तारीख से बीजेपी का भी प्रदर्शन है धरना, कहीं ऐसा नहीं कोई कन्फ्रंटेशन हो जाए? बीजेपी कोई फोर्स है क्या, क्योंकि उसके साथ हमको कन्फ्रंटेशन करना? नहीं, आप लोग भी आंदोलन करेंगे सड़कों पर, वो भी बीजेपी कर रही है। बीजेपी अपना करेगी, कार्यक्रम करेगी, उसमें क्या है? कोई हर राजनीतिक पार्टी को आजादी है, ये जनतांत्रिक अधिकार है, लेकिन गांव टोला में थोड़ी घुस पाएगी।
उनका प्रखंड स्तरीय है कि जिला स्तरीय है, वो देखिएगा ना उनका क्या आंदोलन का स्वरूप होता है। फूस हो जाएगी, तो फूस तो हो ही गया 19 में, ये तो जबरदस्ती आप पंचर 60 के यदि हवा भरा गए, टायर तो पंचर हो ही गया 19 में। दादा आप बोल रहे हैं कि हमारे पास थंपिंग मेजोरिटी आगे भी आएगा और अभी भी है, लेकिन आप भी देख रहे होंगे 32 पे कांग्रेस में पूरा मुखर होके हाँ नहीं, कई लोग 22 तक का मांग कर रहे हैं, कई लोग अपना ट्विटर से ट्वीट कर रहे हैं, 10 पहले ही राष्ट्रपति वोटिंग में आप देख चुके हैं, 3 अभी वहां पर है बंगाल में, अभी रामेश्वर जी का बयान आया था 3 नहीं थे, उनकी संख्या कहीं और अधिक थी, तो ये सब भी ध्यान में रख रही है पार्टी। आप पांडे जी गणना करते रहिए, 11 को आपका विशेष स्वागत रहेगा विधानसभा में, हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से प्रार्थना करेंगे कि आपको विशेष अतिथि के तौर पे बुलाएं और अपने आंखों से आप देखेंगे कि किस तरह पूरा सदन झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस संकल्प के साथ खड़ा है। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।